हाय गाइस, कैसे आप लोग? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मन से? हाँ, हम एकदम मन से काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार डार्क लूप के बारे में। डार्क लूप क्या है स्टूडेंट्स के लिए, आखिरकार होता क्या है डार्क लूप, ठीक है, जो जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हमेशा के लिए फंसे रहते हैं, लूप से बाहर ये निकल ही नहीं पाते, लूप को वो तोड़ ही नहीं पाते, हमेशा लूप के अंदर ही रहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, सेम थिंग को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक चीज़ जो हमारी है, जो हम कर रहे हैं उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी रिपीटेशन में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग को फ़ोन का एडिक्शन है तो रेगुलरली हम लोग फ़ोन से ही को ही यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली फ़ोन को ही रिपीट करते जा रहे हैं, फ़ोन को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसके लूप में फंस गए हम लोग। कोई भी काम को अगर आप बार बार करते रहो, सेम ही काम को आप कंटिन्यूसली करते रहो और रिपीट करते रहो बार बार, तो आप लूप के अंदर चले जाते हो। हाँ भैया, समझ गए लूप क्या होता है, ये समझ गए लूप क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डार्क लूप क्या है, मतलब इससे नहीं निकल पाना, मतलब डार्क मतलब एक ऐसा लूप है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। हाँ भैया, समझ रहे हैं, एक विस्केस साइकिल है, मतलब कोई एंड नहीं है इस चीज़ का, इस लूप में फंसे रहने का कोई एंड नहीं है, आप फंसे रह जाओगे, आप निकल ही नहीं पाओगे, विस्केस साइकिल का कोई एंडिंग नहीं है। इस साइकिल में अगर एक बार चले गए तो उसके बाद उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ भैया, समझ रहे हैं, काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी मेहनत से ही आप इससे निकल सकते हो। हाँ भैया, समझ रहे हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लूप के अंदर फंस गए हैं, हम डार्क लूप के अंदर है, इसको हम कैसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत कुछ चार पांच चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। वो पहला ये है कि फ़ोन एडिक्शन, अगर आप डेली फ़ोन यूज़ करते हो अपना, पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और अपना टाइम देखो कि डेली आप फ़ोन पे कितना टाइम देते हो फ़ोन का टाइम पहले आप चेक करो। अगर आप देखोगे जनरली जो एवरेज टाइम हमारा रहता है फ़ोन पे देने का, वो 4 से 5 घंटे का रहता है। अगर 3 घंटे से ऊपर आपका टाइम जा रहा है, 3 घंटे से ऊपर अगर आपका टाइम जा रहा है, तो समझ लो आप कुछ इशू में हो, ठीक है, आप क्लियर कट समझ लो कि आप कुछ इशू में हो। 3 घंटे से प्लस अगर आपको टाइम जा रहा है, 3 आवर से प्लस आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है फ़ोन का, तो समझो कि आपको फ़ोन एडिक्शन हो रहा है, मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट, आप बहुत करीब हो। लेकिन अगर आप 7 घंटे प्लस जा रहे हो, 6 आवर प्लस जा रहे हो, डेली का मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज आपका ये जा रहा है 6 घंटा प्लस जा रहा है, 7 घंटा प्लस जा रहा है, तो आप समझो कि आप एक फ़ोन एडिक्ट हो चुके हो, आप इस डार्क में फंस चुके हो। आप खुद को ये आइडेंटिफाई कर लो कि मैं इस डार्क में फंस चुका हूँ। हाँ भैया, समझ रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, मैं इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कैसे इससे निकलना है, मैं सारी चीज़ों पे अच्छे से बात करूँगा, मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है, आराम से वीडियो के एंड तक देखना है। आप अगर वीडियो के एंड तक देख लोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से लेके जाओगे, शायद आप उसको यूज़ कर लो अपने पढ़ाई में, अपने मेहनत में यूज़ कर लो और आप चीज़ों को बेटर कर लो। दूसरा जो इशू होता है वो होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है, आप रेस्टलेस हो, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको मन करता है पढ़ने का बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़े क्या, किस तरह से चीज़ों को टैकल करना ही आपको नहीं आ रहा, आप रेस्टलेस हो। आज आप मस्ती करते हो, फिर भी लेकिन आपको बैक ऑफ द हेड आपका चलते रहता है दिमाग में कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये रेस्टलेस हो चुके हो। आप उस जोन में ही नहीं हो कि दिमाग आपका डाइवर्ट, दिमाग का रिलैक्स होकर काम कर सके, आप रिलैक्स वाले जोन में नहीं हो, आप डाइवर्टेड हो चुके हो, आप बहुत तरह तरह की चीज़ों में डाइवर्टेड हो, रेस्टलेस हो, किसी भी इशू से ये हो सकता है, ये आपके पर्सनल इशूज़ की वजह से हो सकता है, ये फैमिली की वजह से हो सकता है, कोई भी चीज़ की वजह से ये इशू आपको आ सकता है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करो, अगर आप इस डार्क लूप के अंदर हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का इशू है जो आपको समझना होगा। हाँ भैया, समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, तीसरा चीज़ ये है कि आप पढ़ पा ही नहीं रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो बट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठ नहीं रहे हो, आप डेली बैठ रहे हो बट आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, आउटपुट आपका जीरो है, सही से निकल नहीं, आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो टॉपिक्स, सिलेबस कवर ही नहीं कर पा रहे हो, चैप्टर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, हमेशा आपको लोड लग रहा है, ठीक है, ये तीसरा चीज़ है। चौथा चीज़ जो है कि दूसरी चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, फैमिली का इशू हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, आइडियल डे का हो सकता है, मैं इस पर भी पूरा डिस्कस करूँगा अभी आराम से, ठीक है, इन चीज़ों में आप परेशान हो, आप इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हो, आप फैमिली से, हेल्थ से, इन चीज़ों को कवर कर ही नहीं पा रहे हो, आप रिलेशनशिप के इश्यूज़ में हो सकते हो, कुछ भी आपको इश्यूज़ ये और परेशान कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में इशू में परेशान हो सकते हो, आप फ्रेंड्स को लेकर परेशान हो सकते हो, आप चीज़ों सही नहीं कर रहे होंगे, आप रूटीन में नहीं होंगे, उस वजह से आप परेशान हो सकते हो,
तो कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है। हाँ भैया, हम समझ रहे हैं। और पांचवी चीज़ जो ओवर थिंकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब एक्सेस सोचना। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? ओवर थिंकिंग एक एक्सक्यूज़ है मेरे हिसाब से। आप बार बार चीज़ों को सोच रहे हो, आप बार बार चीज़ों को लोड ले रहे हो जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है। बहुत चीज़ें आप देखोगे कि लॉजिक लेस होती है, जो आप सोचते हो वो लॉजिक लेस होती है। बहुत चीज़ें हैं जिसमें लॉजिक ही नहीं है। तो लॉजिक वाली चीज़ों पर ध्यान लगाना है आपको, लॉजिक वाली चीज़ों पर ध्यान लगाना, लॉजिक लेस चीज़ों पर ध्यान लगाना ही नहीं। लॉजिक लेस चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करना है, दूर रहो, इनसे दूर रहो। हाँ भैया, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो छठी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इससे इम्पॉर्टेंट शायद ही कोई होगा मेरे हिसाब से। डिसिप्लिन जो है वो हमेशा आपको एज देता है हर कुछ में। मोटिवेशन थोड़े दिन चल सकता है, बट डिसिप्लिन जो है वो हमेशा चलेगा, हमेशा रहेगा। डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, एक बार डिसिप्लिन आना सीख गया, तो आप ये हमेशा इसको कैरी कर सकते हो। हाँ भैया, समझ रहे हैं। और लास्ट चीज़ जो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये मैंने बहुत किया है यार, ये मैंने बहुत ज़्यादा किया, मतलब सोच नहीं सकते हो मैंने कितना किया है। बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, बहुत स्टूडेंट्स हैं लगभग सब यही करते हैं। आइडियल डे को के लिए वेट करते हैं, आज से पढ़ूंगा, दिवाली के बाद से पढ़ूंगा, छठ के बाद से पढ़ूंगा, या फिर कुछ भी, मतलब दिवाली के बाद से पढ़ूंगा, मतलब जब सब अच्छा होगा तब पढ़ूंगा, सब अच्छा होगा तब पढ़ूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं कभी, हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हमेशा रहेंगे आपके साथ। आप चाह के भी ठीक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेंगे ही। हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता है। परफेक्शन पे ध्यान मत दो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ध्यान हमेशा दो ग्रोथ पे। हल्का सा भी ग्रोथ क्यों ना हो, ग्रोथ पे हमेशा आपको ध्यान देना। हाँ भैया, समझ रहे हैं, क्लियर कट समझ रहे हैं। सॉरी, बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, मैं नया हूँ इसमें भी, थोड़ा धीरे धीरे सीख जाऊँगा। हाँ भैया, आप लोगों का साथ हमेशा रहता है। तो ये मत करो यार, ये करके मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा समय अपना बर्बाद किया है, बहुत समय गया है मेरा इसके चक्कर में। आप लोग को मैं नहीं चाहता कि आप लोग में से किसी भी एक का जो ये वीडियो देख रहा है उसका समय इस चीज़ में बर्बाद हो। तो खुद को ये ठान लो कि ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जैसे होगा 10 मिनट करूँगा, आज मैं 10 मिनट करूँगा, 5 मिनट करूँगा, बट करूँगा। ज़रूरी ये है कि करूँगा, ये एटीट्यूड लाओ कि करूँगा हर दिन, डेली कुछ ना कुछ करूँगा। इस वीडियो से मुझे बस इतना ही प्रॉमिस करके जाओ कि डेली कुछ ना कुछ करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा। अगर आप कर रहे हो तो आप डार्क रूप में फंस चुके हो। हाँ भैया, हम समझ रहे हैं, क्लियर कट इस चीज़ को समझो कि अगर इन चीज़ों, इन सातों में से कुछ भी कर रहे हो तो फंस चुके हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हो, बट ये मेन रीजंस है जो मैंने यहाँ कवर किया स्टूडेंट के अंदर। अब सॉल्यूशंस क्या है उस पर फोकस करते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, उस पर फोकस करते हैं। पहला सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो है रिवार्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ आप करते हो, कोई भी काम आप करते हो, जैसे पढ़ाई आपने करा, आज पढ़ाई का टारगेट आपने लिया कि 5 घंटे प्लस पढ़ूंगा, टाइमर से मैं 5 घंटे प्लस पढ़ूंगा, आपने 5 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, तो खुद को रिवार्ड दो। रिवार्ड क्या होगा? रिवार्ड होगा आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकता है। हाँ भैया, समझ रहे, जैसे आपने 5 घंटा पढ़ाई कर लिया आज, आपको लगा कि आप सफिशियंट हो, मोर देन सफिशियंट हो चुका है, तो फिर आप मूवी देख सकते हो। तो ये मूवी देखने में जो मज़ा आएगा ना, जो मज़ा इस मूवी को देखने में आएगा वो अलग लेवल का होगा। वो कभी आप फील करना, मतलब कोई चीज़ अचीव करने के बाद, जैसे बचपन में हमारे साथ होता था, बोर्ड्स एग्ज़ाम अच्छा कर लो, बोर्ड्स अच्छा कर लो तो आपको वॉच मिलेगा। उस वॉच का जो कीमत होता था ना, उस वॉच का जो कीमत होता था वो अलग होता था, वो आज तक आपको वो प्राइसलेस रहता था, उसका कुछ प्राइस ही नहीं होता, वो आज तक आपको याद रहेगा। तो रिवॉर्ड करो खुद को। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, मैं अपना ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, मैं वीक का टारगेट्स लेता हूँ, वीकली मेरा टारगेट रहता है स्टडी आवर का। मैं सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने किया है। स्टडी आवर का मेरा वीकली टारगेट रहता है, अगर 30 आवर प्लस रहता है मेरा स्टडी आवर, ठीक है, वीक में, तो मैं रिवॉर्ड करता हूँ खुद को। कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे किसी दिन फास्ट फूड खाने का मन कर गया वीक में, तो मैं कोई फास्ट फूड खा लेता हूँ। कोई मूवी देखने का मन कर गया तो मूवी देख लेता हूँ। कोई सीरीज़ देखने का मन कर गया तो सीरीज़ देख लेता हूँ। आगे कुछ भी चीज़ें हैं आप रिवॉर्ड में डाल सकते हो, जैसे फ्रेंड से बात करना हुआ वो आप डाल सकते हो, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, घूमना हुआ, कहीं जाना हुआ, सारा चीज़ आप रिवॉर्ड के सिस्टम में डाल सकते हो। तो आप ये चीज़ फॉलो करो। अगर आप 30 घंटा प्लस वीकली पढ़ लेते हो
तो फिर आप खुद को रिवॉर्ड करो। कैसे भी आप रिवॉर्ड कर सकते हो, आप को जो मन हो, आपको जो इच्छा हो, जो आप नहीं कर रहे हो, और फिर इन चीज़ों को करने में जो मज़ा आएगा ना, जो मज़ा होगा उसका लेवल अलग होगा, उसका सब कुछ बहुत अलग होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे इतना अलग लगेगा। हाँ भैया समझ रहे हैं, बहुत ईजी है इसको फॉलो करना, बट इसका जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड जो मिलता है ब्रेन को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बार करके देखो, आपको फील हो जाएगा। हाँ भैया मैं क्लियर कट समझ रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ जो हम लोग आते हैं, दूसरा जो सोल्यूशन है इसका, वो है ब्रेक सिस्टम। क्या ब्रेक सिस्टम भैया, आप क्या बोल रहे हो ब्रेक सिस्टम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल है, देखो अपने डिस्ट्रैक्शंस को इंजॉय करना स्टार्ट करो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तुम गौर से इसको पढ़ो। अगर आप इस वीडियो से बहुत बड़ा चीज़ को ले जाना चाहते हो तो यही है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को इंजॉय करना स्टार्ट करो, उनको अवॉइड मत करो, अवॉइड करना बंद करो। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में रूम में बंद होके आप पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ये दुनिया प्रैक्टिकली ऐसे नहीं चलती। आपको डिस्ट्रैक्शंस को इंजॉय करना ही पड़ेगा, जैसे करना है रिवॉर्ड में इसको डालो, ब्रेक में डालो। अब ब्रेक सिस्टम क्या है, मैं उस पर बात करता हूँ। देखो बहुत क्लियर कट है, करना कुछ नहीं है, वीक है, 7 दिन है, 6 डेज पढ़ाई करो। सीरियसली बोल रहा हूँ, 6 डेज पढ़ाई करो, 1 दिन ब्रेक लो, प्रॉपर ब्रेक, और डिस्ट्रैक्शंस जो आपके हैं, जैसे रील हो गया, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, यूट्यूब, कुछ भी हो गया, जैसे आपको फास्ट फूड कोई पसंद है, उनको करो इस दिन, उनको करो, ब्रेक का मज़ा लो, डिस्ट्रैक्शंस का मज़ा लो। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ब्रेक लेने के बाद ऑटोमेटिक अगले दिन आपको फील होगा कि अब पढ़ना है, दिमाग में इस चीज़ को डाल लेना कि हाँ भैया पढ़ना है, अगले दिन आप ऑटोमेटिक ही पढ़ने लगोगे। बस ये चीज़ का कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना कि ब्रेक 1 दिन का ही हो, 1 डे ब्रेक। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप कहीं आपको घूमने के लिए जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, वीक के हिसाब से एडजस्ट कर लेना और उसको उसमें डाल लेना, ठीक है, ब्रेक के हिसाब से ब्रेक को वहाँ पे डाल लेना। और डिस्ट्रैक्शंस को अपने इन्जॉय करना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस को जब तक इन्जॉय नहीं करोगे, जब तक इनको फोर्स करोगे तब तक ये दिक्कत देते रहेंगी। हल्का हल्का इसको इन्जॉय करना स्टार्ट करो, हल्का हल्का चीज़ों करना स्टार्ट करो, प्रोसेस को बिलीव करो, चीज़ें सही हो जाएंगी, एक ना एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ भैया समझ रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं वो है हमारा फोकस ऑन डिसिप्लिन, नॉट ऑन मोटिवेशन। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सोचोगे, दिमाग में लगाओगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मोटिवेशन जो है ना, वो टेम्प्रोरी है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन है ना, एक बार आ गया तो हमेशा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल किसके थ्रू समझते हैं। आपने 4 दिन सुबह पढ़ाई किया, 5वें दिन ऑटोमेटिक आपको मन करेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका मन करने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा, आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। सुबह अगर आपने 8 से 12 पढ़ाई किया, 8 से 12 पढ़ाई किया है, ऑटोमेटिक अगले दिन जो आपको मन करेगा, कि मैं पढ़ूँ, यही डिसिप्लिन है। लेकिन मोटिवेशन जो, अगर आप रील्स को देख के लाओगे, रील्स को देख के लाओगे, शॉर्ट्स को देख के लाओगे, या फिर कोई भी फीलिंग्स से मोटिवेट हो गए,
तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये आपको 10 दिन बढ़ा सकता है, 20 दिन बढ़ा सकता है, मैक्स टू मैक्स एक महीना ये आपको पढ़ा सकता है। बट अगर आप हमेशा चाहोगे कि इससे आप पढ़ो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप डिसिप्लिन से ही हमेशा पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन ही आपको एज दे सकता है और कुछ भी नहीं है। बिना डिसिप्लिन स्टडी करना, आज के इस जो डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में सब ना के बराबर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ भैया समझ, तो डिसिप्लिन में फोकस करो, हैबिट को बिल्डअप करने में फोकस करो, हैबिट्स को लाओ, पढ़ाई के हैबिट को खुद के अंदर डालो और रील्स, शॉर्ट्स, कैंपस वीडियोस या ऐसा कुछ भी, इससे दूर रहने की कोशिश करो, जितना दूर रह सको रहो। कभी कभी कर सकते हो यूज़, हमेशा मत करो, कभी कभी, तब हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट कभी कभी, मतलब कभी कभी। मैं ऐसा नहीं बोलो कि एकदम इससे मोटिवेट होना ही नहीं, होना है, बीच बीच में ज़रूरत रहता है इसका, बीच बीच में इसको यूज़ करो। फोकस जो है वो रहेगा डिसिप्लिन पे हमारा। हाँ भैया हम समझ रहे हैं, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब आप सच में तारीफ़ के लायक हो, आप सच में मेहनत करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को पढ़ाई के थ्रू चेंज करना चाहते हो। मैं सोचना चाहता हूँ पढ़ाई आप करना चाहते हो, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो जो सीरियस है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही होगी, धीरे धीरे मैं इसको सही कर लूँगा। जेन्युइन स्टूडेंट हो जो सीरियस हो। हाँ भैया समझ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो चौथा है और ये सबसे लास्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। क्लियर रहो, अवेयर रहो पर्पस को लेके, पर्पस क्या है उसको लेके अवेयर रहो। क्यों आपको चाहिए, क्यों चाहिए आपको, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं हुआ, वाई जो है हमारा, ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत आएगा। क्यों आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्यों कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस पर सोचो। फैमिली के लिए या अपने लिए, लाइफ के लिए, बेटर लाइफ के लिए, अपना वाई ढूंढो। जब आपको वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो जो बार बार जो आपका फोकस हटता था, बार बार जो फोकस आपका हटता था, ये ख़त्म हो जाएगा। हमेशा आपको क्लैरिटी रहेगा। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी में नहीं रहोगे तो डिस्ट्रैक्टेड ऑटोमेटिक हो जाओगे, चाह के भी नहीं रोक पाओगे। क्लैरिटी अगर नहीं रहेगा, नो क्लैरिटी रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शन आ ही जाएगा। इसलिए फोकस आपको करना है कि क्लैरिटी होना चाहिए, नो क्लैरिटी के जोन में मत जाना, क्लैरिटी में फंसना। पर्पस आपका क्लियर हो, क्यों करना है ये, ठीक है, क्यों पता है तो कैसे ईजी हो जाता है, कैसे जो है वो ईजी हो जाता है। हाँ भैया समझ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। पहले आप उनमें से हो जो चेंज होना चाहते हैं, आप उनमें से हो जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, उनमें से हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं कि आपको, आपके अंदर कुछ वीकनेस है, और जो उसको रेक्टिफाई करके सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करूँगा, आप उनसे आगे हो, उन 90% स्टूडेंट से आगे हो जो अब तक इसी डार्क लूप में फंसे हैं। 10% में आने के लिए आपको एक्शन करना होगा। इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, बाकी चीज़ें जगह पे ले लेंगी, हर चीज़ जगह पे आ जाएगा, बस इस पे फोकस करो। हाँ भैया ठीक है।